खबर बलिया से है, जहां भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दुबे ने बलिया लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी नीरज शेखर को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया। जी हां, बलिया लोकसभा क्षेत्र में लगातार बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का दौरा जारी है। गौरतलब है कि बलिया में आखिरी चरण के चुनाव 1 जून को होने हैं। एक तरफ बीजेपी राम मंदिर समेत कई विकास कार्यों को लेकर चुनावी मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष संविधान, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरी हुई है। इस सिलसिले में बलिया लोकसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत बीजेपी के कई बड़े नेता बलिया का लगातार दौरा कर रहे हैं और साथ ही साथ बलिया में जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी सिलसिले में बलिया पहुंचे भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दुबे ने नीरज शेखर को लेकर एक बड़ा दावा किया। अजीत दुबे ने कहा कि भाजपा सरकार में बहुत से विकास कार्य हुए हैं जो आज तक नहीं हुए थे। केंद्र में 10 साल में बहुत काम हुए हैं इस केंद्र सरकार के द्वारा। राम मंदिर से लेकर एक्सप्रेसवे समेत तमाम विकास कार्यों को अंजाम दिया गया है। अजीत दुबे ने दावा किया कि भाजपा प्रत्याशी नीरज शेखर इस बार लाखों वोटों के अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। कृष्ण कुमार उपाध्याय और अजीत दुबे, जो भोजपुरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या कुछ कहा इस चुनाव के बारे में, आइए सुनते हैं। हमारे पिता भारत सरकार में, रहनी दिल्ली में, शिक्षा दिल्ली से भई, लेकिन बलिया के प्रति एक मातृभाषा, मातृभूमि के प्रति एक सम्मान और एक याद। नीरज शेखर यहाँ से मोदी जी के दूत के रूप में प्रत्याशी हैं, उनको मदद करने के लिए मैं आया। किस तरह से आप उनका मदद करेंगे? मैं बैरिया के लगभग एक दर्जन गांव, बलिया शहर के लगभग एक दर्जन गांव और सतना विधानसभा के एक दर्जन गांव, हर चुनाव में दिल्ली से आता हूं और लगभग 40 से 50 गांव को कवर करता हूं और अपनी बात उनके प्रति रखता हूं कि क्यों नीरज। तो आज इसके पहले भी आप कब बलिया आए? मैं बलिया 2009 में आया था, उसके पहले चंद्रशेखर जी के कार्यकाल में मैं आता था, जब कई बार मार्क तुली बीबीसी के करस्पॉन्डेंट कई कई दिन यहाँ रहते थे, मैं तब भी आता था। कि 25 तारीख को दिल्ली में छठे फेज का चुनाव था, मैं दिल्ली का वोटर हूँ। मैंने पहली बार महसूस किया 50 साल में कि लोग स्वतः कह रहे थे कि भाई मोदी जी को वोट देना है। ऐसा पॉजिटिव माहौल किसी पार्टी के लिए मैंने आज तक नहीं देखा। और इस चुनाव में विषय बड़ा सिंपल है, मोदी यस और मोदी नो, इंडिविजुअल कैंडिडेट्स का कोई मतलब नहीं। जैसा मोदी जी खुद कहते हैं, आपका एक कमल का बटन सीधा मुझे आता है, बात सही भी है। तो जब मोदी जी कह रहे हैं ये बात, तो जब केंद्र में मोदी सरकार आ रही है, यूपी में मोदी सरकार है, तो नेचुरली उस पार्टी का सांसद होगा वो ज़्यादा कार्यकुशलता का निर्वाह कर सकता। क्या लगता है आपको बलिया में कैसा माहौल होने जा रहा है? बलिया में माहौल एक तरफा होने जा रहा है, मोदी में बलिया हो गया। जैसा कि अभी सुना है आपने कि मोदी यस मोदी नो, एक पक्ष मोदी को हटाने पर लगा है, एक मोदी को बैठाने पर लगा है। मोदी को बैठाने वाले की संख्या ज़्यादा है, वो भारी है, लेकिन नकारात्मक सोच है, मोदी को बैठाने वालों की सकारात्मक सोच। यूपी न्यूज़ 9 के लिए बलिया से अमित कुमार की रिपोर्ट।